दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एक YouTube चैनल बनाना, या स्पेसिफिकली कहूं तो एजुकेशनल YouTube चैनल बनाना, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, कोई भी बना सकता है। लेकिन उसको ग्रो करना एक बहुत मेहनत का काम है, और अगर आपको वो नियम नहीं पता है, वो तरीके नहीं पता हैं जिनके जरिए आप अपने चैनल को स्टार्टिंग से ही एक अच्छे लेवल पर पहुंचा सकते हैं, तो आप कई सालों तक इसमें भटकते रहेंगे और सफल नहीं हो पाएंगे। अपने आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 2020 में आप अपने YouTube चैनल को कैसे स्टार्ट करें और कैसे ग्रो करें। ध्यान दीजिएगा, मेरा ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल YouTube चैनल्स के लिए है। कॉमेडी, मोटिवेशनल, इन सभी चैनल्स के बारे में मैं अपने इस वीडियो में कोई भी बात नहीं करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली टिप ये है कि आपको सबसे पहला काम जो करना है अपना एक एजुकेशनल चैनल स्टार्ट करने से पहले, वो ये कि आपको एक सब्जेक्ट डिसाइड करना है जिसके लिए आप वीडियोस बनाएंगे। ध्यान दीजिए, मैंने सब्जेक्ट बोला है, मैंने टॉपिक नहीं बोला है, मैंने कोर्स नहीं बोला है। कोर्स क्या है? मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि आप 12th क्लास के लिए वीडियोस बनाने वाले हैं, या फिर आप बीएससी के लिए वीडियोस बनाने वाले हैं, या फिर बीटेक के लिए, या बीकॉम के लिए। ये कोर्स है। आप कोर्स के लिए वीडियोस नहीं बना रहे, किसी ब्रांच के लिए भी मत चूज करिएगा। सपोज करिए कि आपने कहा कि मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए वीडियोस बनाऊंगा, रॉन्ग। कोर्स के लिए नहीं बनाना है। टॉपिक मतलब क्या कि आपने सपोज डिसाइड किया कि एक सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, और डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपने डिसाइड किया कि बाइनरी ट्री के वीडियोस बनाएंगे, या फिर मैथमेटिक्स कोर्स है और मैथमेटिक्स कोर्स के अंदर में आपने डिसाइड किया कि आप लेटर से परिमेय संख्याओं के वीडियोस बनाएंगे। नहीं, क्योंकि जब आप स्पेसिफिक हो जाते हैं टॉपिक के लिए, तो आप कितने वीडियोस बना सकते हैं। अगर आप फिजिक्स का, मैथ का, या जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का आप एक टॉपिक सोच लीजिए, आप उस टॉपिक को सिखाने के लिए कितने वीडियोस बना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 10, 20, इससे ज्यादा तो नहीं बना सकते। और यही प्रॉब्लम है। मेरी अगली टिप में आप समझ जाएंगे क्यों मैं कह रहा हूं कि आपको टॉपिक नहीं सेलेक्ट करना है। अब बात करते हैं कि क्यों आपको एक कोर्स सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आप कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लिया, या 12th सेलेक्ट कर लिया, 12th क्लास लेते हैं, जनरिक एग्जाम्पल हो जाएगा, सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया कि 12th क्लास के लिए आप बनाने वाले हैं वीडियोस, तो आप क्या करेंगे, आप कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी इंग्लिश, कभी मैथमेटिक्स, कभी कुछ और, ये सभी के वीडियोस बनाएंगे रैंडमली, और देखने की कोशिश करेंगे कौन सा वीडियो ज्यादा चल रहा है, ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। नहीं वर्क करेगा, विश्वास कीजिए, ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। काम क्या करेगा, आप डिसाइड कीजिए कि आप उस कोर्स के अंदर किस सब्जेक्ट का वीडियो बनाने वाले हैं। सपोज कीजिए कि आपने अगर 12th क्लास मैथमेटिक्स कर लिया है, तो मैथमेटिक्स में भी अब आप क्या करिए, स्पेसिफिक हो जाइए। वहां पर 6 बुक्स होती हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री सपोज करिए आपने ले लिया, कैलकुलस आपने ले लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने ले लिया, कोई एक सब्जेक्ट आपने ले लिया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। एक सब्जेक्ट में कई टॉपिक होते हैं, और उन सभी टॉपिक से अगर आप वीडियो बनाने बैठेंगे तो 100 से ज्यादा वीडियोस आप बना पाएंगे, करेक्ट। तो ये फायदा होगा आपको कि अब अगर आपने टॉपिक सेलेक्ट किया होता तो आपके पास वीडियो कम बनते, अगर आपने कोर्स सेलेक्ट किया होता तो आप कभी किसी सब्जेक्ट का, कभी किसी सब्जेक्ट का वीडियो बना रहे होते। लेकिन अगर आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है तो उसमें बहुत टॉपिक हैं और आप 100 से ज्यादा वीडियोस बना सकते हैं। मेरी सेकंड टिप है कि आप अपनी ऑडियंस स्पेसिफिक कीजिए। ऑडियंस सेलेक्ट करने के लिए क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपका वीडियो किसी एक स्टूडेंट ने देखा, तो मैं ये चाहता हूं, आप भी ये चाहते हैं कि आपके अगले वीडियो को भी वो स्टूडेंट देखे। अब मान लीजिए कि आपने अपने चैनल पर एक वीडियो तो डाला हुआ है 12th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, और दूसरा वीडियो आपने रखा है 10th क्लास की मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए। अब अगर 10th क्लास का बच्चा आपके एक वीडियो को देखता है तो वो दूसरे वीडियो को देखने भी जाएगा, तो स्टार्ट करेगा, बंद कर देगा, उसको समझ में आ जाएगा मेरे लिए नहीं है, और 12th क्लास का बच्चा भी सेम यही करेगा। और हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक बार जो हमारे चैनल पर आ जाए, उसको हमारे काम का कंटेंट मिल जाए, तो फिर वो क्या करे, वो हमारे सभी वीडियोस को देखे। सभी नहीं देखे तो भी कम से कम 5-6 तो देखे। और ऐसा कब होगा, जब आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए वीडियोस बना रहे होंगे।
इसीलिए अगर आपने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, सपोज कीजिए आपने मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लिया, अब मैथमेटिक्स में भी आप बहुत स्पेसिफिक हो जाइए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, क्या वो क्लास सेकंड के बच्चे हैं, या वो क्लास ट्वेल्थ के बच्चे हैं, या वो बीएससी के स्टूडेंट हैं, या फिर वो स्टूडेंट हैं जो आईआईटीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। समझिए, जैसे ही आपकी ऑडियंस चेंज होगी, आपके कंटेंट का बनाने का तरीका चेंज हो जाएगा, उसकी प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी, उसके तरीके चेंज हो जाएंगे, और जब आपकी टारगेट ऑडियंस सेट हो जाएगी, स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए आप कंटेंट बनाते हैं, तो स्पेसिफिक ऑडियंस आपके चैनल पर आने लगेगी और आपके वीडियोस को एक एक करके देखने लगेगी। तो ये मेरी दो टिप आप याद रखिएगा, आपको सबसे पहले एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और आप ध्यान रखिए कि आप स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए ही कंटेंट बना रहे हैं। अब बात करते हैं थर्ड टिप की। थर्ड टिप क्या है? थर्ड टिप ये है कि आपको कम से कम 100 वीडियोस पब्लिश करने हैं। सौ वीडियोस आपको बनाने हैं। 100 वीडियो से कम पर आप रुकिएगा नहीं। 100 वीडियो से कम पर आप एनालिटिक्स चेक नहीं करेंगे, आप ये देखेंगे नहीं कि आपके कितने व्यूज आ रहे हैं, आपके कितने लाइक हो रहे हैं, आपको कितने कमेंट मिल रहे हैं। गलती मत करिएगा ये। आपको 100 वीडियोस का टारगेट सेट करना है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, समझिए, जब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस की, जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडी की बात कर रहे हैं, तो स्टैंड अप कॉमेडी में ऐसा नहीं होता है कि एक ऑडियंस आया, उसने देखा पति पत्नी के जोक, तो वो बाकी भी पति पत्नी के जोक भूलेगा, ऐसा नहीं होता है, है ना? वो क्या करता है, उसे हंसने से मतलब है, तो वो किसी का भी वीडियो देख सकता है। तो एक चैनल पर एक वीडियो काम कर जाता है अगर हम स्टैंड अप कॉमेडी की बात कर रहे हैं तो। लेकिन एजुकेशन में क्या होता है? एजुकेशन में स्टूडेंट को फायदा तब होता है जब आप उसको फुल पैकेज दे रहे हो, आप उसको पूरी चीज समझा रहे हो। एक टॉपिक देने से कुछ होने वाला नहीं है, वो एग्जाम में पास होने वाला नहीं है। उसका जो एम है स्टूडेंट का, उसका जो गोल है, जिसके लिए वो पढ़ाई कर रहा है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसीलिए एजुकेशनल चैनल तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या अपने एरिया का कंप्लीट कवरेज दें। अगर आप देखेंगे कि इस समय इंडिया के सक्सेसफुल एजुकेशनल चैनल कौन से हैं, तो आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों वो सक्सेसफुल है। वो पूरी चीज दे रहे हैं, दैट्स ऑल। वो अधूरी चीज नहीं दे रहे, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि एक वीडियो पर बहुत ज्यादा मेहनत कर ली और उसके बाद 10 दिन सो गए, ऐसा नहीं है। वो भले ही एवरेज कंटेंट दे रहे हो, लेकिन वो लगातार दे रहे हैं और कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है एजुकेशनल के केस में। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 100 वीडियोस आपको बनाने हैं। अगर आप 100 वीडियो से कम पर रुकते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक तो आपने कंप्लीट चीज दी नहीं है स्टूडेंट को, पहला प्रॉब्लम यह है। दूसरा ये हो जाएगा कि आपके चैनल पर या आपके वीडियोस को देखे जाने की संभावना कम हो जाती है। अगर आपके 100 वीडियोस हैं तो इसका मतलब है कि 100 पॉइंट्स हैं यूजर के आपके चैनल से इंट्रोड्यूस होने के। अगर आपके 10 वीडियोस हैं तो 10 ही पॉइंट है। अगर आपने एक ही वीडियो डाला है तो एक ही पॉइंट है। अब आप उसमें निराश होकर बैठ जाएंगे 10 वीडियो डालने के बाद या 20 वीडियो डालने के बाद कि मैं क्या करूं, तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने स्टूडेंट को चांस ही नहीं दिया कि वो आपसे इंटरेक्ट कर पाए। आप उसे मल्टीपल पॉइंट्स दीजिए जिससे आपके चैनल को इंट्रोड्यूस किया जा सके। और इस समय जब आप अपने चैनल को स्टार्ट कर रहे हैं, इस समय आपका जो एम है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आपके बारे में जाने। जब वो आपके बारे में जानेंगे तो वो आपके सब्सक्राइबर्स बनेंगे, तो वो आपकी ऑडियंस बनेंगे, तब जाकर वो आपके वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखना स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरी थर्ड टिप है। आपने जो भी सब्जेक्ट डिसाइड किया है, आपने जो भी टारगेट ऑडियंस डिसाइड की है, उस सब्जेक्ट के लिए, उस टारगेट ऑडियंस के लिए आप कम से कम 100 वीडियोस रिकॉर्ड करें, इससे कम पर आप ना रुकें। अब बात करते हैं अगली टिप की, और अगली टिप ये है कि अब आपने बहुत कुछ डिसाइड कर लिया, अब आपका माइंड सेट हो गया है कि आप 100 वीडियोस बनाएंगे, साथ में आपको पता लग गया है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, और इसके अलावा आपको ये पता है कि आप किस सब्जेक्ट का वीडियो बनाने वाले हैं। वेरी गुड, आपकी जो चैनल है उसकी नींव रख चुकी है, एक सफल चैनल की नींव रख चुकी है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको रियली काम करना है, स्टार्ट करना है। तो अब आप क्या कीजिए, अधिकतर टीचर्स ये गलती करते हैं, क्या करते हैं कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मुझे ये बनाना है, और खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे वीडियो कैसे रिकॉर्ड करना है, और वैसे ही वीडियो 50-60 रिकॉर्ड कर देते हैं और उठाकर अपने YouTube चैनल पर डाल देते हैं। फिर कहते हैं अरे साहब चला नहीं, अरे चलेगा कैसे। आपने क्या किया, आपने अपना जो कंटेंट तैयार किया, क्या आपने उसका रिव्यू लिया, किसी को दिखाया कि भाई ये मेरा वीडियो सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। आप जब भी कोई वीडियो बना रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये ट्रायल वीडियो है, याद
ध्यान रखिए इस बात को कि ये हो सकता है कि स्टार्टिंग के जो 10 वीडियो आप बना रहे हैं वो आपको पूरे के पूरे डिस्कार्ड करने पड़ जाए। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं है वो आप अगली टिप में समझ जाएंगे। ये 10 वीडियो डिस्कार्ड करने से अगर आपका एक ऐसा स्टाइल निकल कर आता है कंटेंट प्रेजेंट करने का जो इफेक्टिव है, तो हम वो सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करिए, आप 2 या 3 वीडियोस रिकॉर्ड कीजिए, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए आप 2 या 3 वीडियोस रिकॉर्ड कीजिए जो आपको लगता है आपके हिसाब से सही है। फिर आप क्या कीजिए, आप उन वीडियोस को मुझे दे दीजिए दिखाने के लिए। आप उनको कहीं भी अपलोड कर दीजिए, अपने गूगल ड्राइव पर अपलोड कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं, बिना चैनल बनाए भी अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आप मेरे साथ शेयर कीजिए। आप उसको प्रोटेक्टेड में रख सकते, मतलब ऐसा सिर्फ लिंक ऑनली शेयर कर सकते हैं जिससे कि सिर्फ मैं देख पाऊं या मेरी टीम देख पाए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको आपके वीडियो पर मैं आपको कमेंट दूंगा, मैं देखूंगा कि किस तरह से आपके वीडियो को अच्छा किया जा सकता है। हम आपको कंटेंट क्वालिटी पर कमेंट देंगे, हम आपको प्रेजेंटेशन क्वालिटी पर कमेंट देंगे, और हम आपको प्रोडक्शन क्वालिटी पर कमेंट देंगे। ये 3 कमेंट हम आपको देंगे और ये बिल्कुल फ्री है, टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे कोई रुपए नहीं मांगने वाला हूं। मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को मैं यूट्यूब पर ला सकूं, तो टेंशन मत लीजिए, कोई रुपए की बात नहीं है यहाँ पर। बस आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप ये वीडियो सबमिट कर रहे हैं हमारे पास रिव्यू के लिए, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि इस रिव्यू को, आपके जो वीडियो का रिव्यू किया जाएगा उसको मैं अपने YouTube चैनल पर दिखा सकता हूं, जिससे कि बाकी टीचर्स भी उससे फायदा ले सके। दैट्स ऑल, इतना ही आपको करना है। आप मुझे दीजिए, आपके वीडियो को मैं प्रॉपरली रिव्यू करूंगा, रिव्यू करने के बाद मैं आपको कमेंट दूंगा, आपको सजेशंस दूंगा कि आप इस तरह करिए, उससे आपका वीडियो अच्छा बनेगा। आप अगला वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और एक बार फिर से दीजिए, 2 या 3 इस तरह के राउंड होंगे तो आपके वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और वो काफी अच्छा लगने लगेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर आप क्लिक करके आप अपने वीडियो को मेरे पास दे सकते हैं रिव्यू के लिए, और उसके बाद हम आपके वीडियो को रिव्यू करके आपको ईमेल कर देंगे और साथ ही साथ उसका एक वीडियो बनाकर पब्लिश भी कर देंगे हमारे इस चैनल पर। जब वो वीडियो आपको लगता है कि हाँ अभी अच्छा लगने लगा है, तब आप क्या कीजिएगा, उस स्टाइल में, ये मेरी 4th टिप पर अब मैं आ रहा हूं, अब आपकी स्टाइल सेट हो चुकी है कि मुझे इस तरह से वीडियोस बनाने हैं, अब आपको क्या करना है, अब आपको सेम स्टाइल में 100 वीडियोस बनाने हैं। तो आपको पहले पता लग गया था, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्टाइल चेंज नहीं होनी चाहिए स्टार्टिंग के 100 वीडियोस के लिए। बाद में आप कितना भी एक्सपेरिमेंट करते रहें, एक बार आप सफल हो जाएं तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के लिए क्यों आपकी स्टाइल सेम रहनी चाहिए, थोड़ा समझिए बात को। हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर स्टूडेंट को अलग अलग तरह का कंटेंट अच्छा लगता है। अगर आपके पास एक ऐसा स्टूडेंट आया है आपके वीडियो को देखने के लिए जिसको आपका तरीका अच्छा लग गया, उसने अगला वीडियो ओपन किया तो उसने देखा, अरे ये तो मेरे तरीके से हट गए, अब तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, वो आधे मन से आपका सब्सक्राइबर बन जाएगा, वो पूरे मन से नहीं बनेगा। तो क्या होगा, कभी देख लिया करेगा, कभी नहीं देख लिया करेगा। हम ऐसा नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से अगर 0.1% स्टूडेंट भी हमारे पास आ रहा है तो वो हमारा स्टूडेंट बनकर रह जाए। और इसीलिए जरूरी है कि आप स्टार्ट के 100 वीडियोस के लिए अपने स्टाइल को बिल्कुल भी चेंज मत कीजिए। एक बार आपकी स्टाइल जो फिक्स हो गई, उसी स्टाइल में आपके 100 के 100 वीडियोस पब्लिश होने चाहिए। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी अच्छा है, रिकमेंडेशन के लिए भी अच्छा है, और भी कई चीजों के लिए अच्छा है। जैसे जैसे आप मेरे चैनल पर मेरे वीडियोस देखते जाएंगे, आप इसके बारे में जानते जाएंगे। तो ये थी मेरी अगली टिप कि आपको अपनी स्टाइल स्टार्ट के 100 वीडियोस के लिए चेंज नहीं करनी। अब बात करते हैं अगली टिप की। अगली टिप ये है कि आपने 100 वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए हैं, उनकी एडिटिंग कर ली है, और अब आप रेडी हैं अपना एजुकेशनल चैनल स्टार्ट करने के लिए। तो आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर क्रिएटर्स को सुना होगा कि आप एक शेड्यूल बनाइए, आप डेली एक वीडियो रखिए या हफ्ते में एक वीडियो रखिए, इस तरह के बहुत सारे आप तरीके सुन सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि एजुकेशनल चैनल्स पर ये चीज काम नहीं करती। क्यों काम नहीं करती, अगेन मैं एग्जांपल लूंगा स्टैंड अप कॉमेडी का, कि मैंने आज एक वीडियो डाला स्टैंड अप कॉमेडी का, सपोज मैं करता नहीं हूं, मगर सपोज कीजिए कि मैं करता हूं और मैंने एक वीडियो आज डाला, किसी पर्सन ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया। अब मैंने अगला वीडियो डाला, उसको नोटिफिकेशन गया, देख लेगा वो, क्योंकि उद्देश्य क्या है, हंसना। उसे लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी है, हंसना, हंस सकता हूं मैं, देख लेगा, हंस लेगा। लेकिन अगर मैंने आपका वीडियो देखा, एक एजुकेशनल वीडियो, और मैंने आपको सब्सक्राइब कर लिया, अब आपने अगला वीडियो डाला, मैं देखूंगा या नहीं देखूंगा इसकी गारंटी आप दे सकते हैं? मैं नहीं देखूंगा,
मेरा मूड नहीं हो पढ़ने का तो मैं नहीं देखूंगा, या वो क्लास में मेरा वो टॉपिक नहीं चल रहा होगा तो मैं नहीं देखूंगा, या फिर मेरा एग्जाम नजदीक नहीं होगा तो मैं नहीं देखूंगा। वहां पर इफ आ जाते हैं बहुत सारे, तो वहां पर नहीं देखेगा स्टूडेंट। तो इसीलिए जो रूल्स एंटरटेनमेंट वाले चैनल्स पर काम करते हैं वो रूल्स एजुकेशनल चैनल पर काम नहीं करते। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, जितना जल्दी हो सके आप अपने चैनल पर 100 वीडियोस पब्लिश कर दीजिए। एक दिन में 100 कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक दिन में जितने वीडियोस आप पब्लिश कर सकते हैं कर दीजिए, अगले दिन फिर से पब्लिश कर दीजिए, उसके अगले दिन फिर से कर दीजिए। कारण क्या है? कारण वही है, अगर मेरा एग्जाम है कल और आपने आज 100 वीडियोस अपलोड किए हैं, बात समझिएगा, मैंने आपका एक वीडियो देखा, मेरा एग्जाम कल है, मुझे आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, आपकी स्टाइल अच्छी लगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके 100 वीडियोस देख लूंगा क्योंकि मेरा एग्जाम कल है। यहां पर वो रूल अप्लाई नहीं होता है कि आपका अगले वीडियो का मैं इंतजार करूंगा, मुझे जरूरत है तो मैं देख लूंगा, ये एजुकेशनल वीडियो है, करेक्ट। इसलिए ध्यान रखिएगा कि 100 के 100 वीडियोस आपको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पब्लिश कर देना है, उनको रोकना नहीं है किसी भी वजह से। अगली टिप ये है कि जब आप वीडियोस को पब्लिश कर रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तरीके ध्यान रखने पड़ेंगे। आपको टाइटल कैसे लिखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना चाहिए, उसके अंदर टाइमलाइन कैसे डालना चाहिए, कार्ड्स किस तरह बनाने चाहिए, एंड स्क्रीन किस तरह बनाने, ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको हर चीज बताऊंगा, आपके एजुकेशनल चैनल को सफल करने की मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं आपको हर टिप बताऊंगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए, तो ये बस ध्यान में रखिए। लेकिन इसके आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको किया जाता है। अब जो अगली टिप है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है पेशेंस, धैर्य। आपने 100 वीडियोस रिकॉर्ड किए थे, बहुत मेहनत से आपने कंटेंट क्रिएट किया था, बहुत मेहनत से आपने वीडियोस क्रिएट किए थे, आपने 100 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अब जो अगला आपका काम है वो है धैर्य रखना, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि रातों रात आपका कंटेंट हिट हो जाएगा, रातों रात आपको सब्सक्राइबर्स मिलने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। आपको एजुकेशनल चैनल है तो आपको कम से कम 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि आपको एग्जाम टाइम का इंतजार करना पड़ जाए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, थोड़ा इंतजार करना बहुत जरूरी है। जब तक आप इंतजार कर रहे हैं तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, आप YouTube के बारे में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे उनके एल्गोरिथम वर्क करती है, कैसे एजुकेशनल चैनल्स वर्क करते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा हर चीज। आप अपनी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं उन 3 महीनों में, जहां पर आप अपने कंटेंट को प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं, आप मल्टीपल प्लेलिस्ट बना सकते हैं, बेसिकली बहुत सारा काम है जो आप कर सकते हैं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको आशा नहीं छोड़नी है, कम से कम 3 महीने का आपको इंतजार करना है। उसके पहले आप जल्दी मत करिएगा कि अरे मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूं, बंद कर देता हूं या बनाना बंद कर देता हूं, बिल्कुल नहीं। अपना बैकग्राउंड में आप काम करते रहिए, ठीक है, तो आप 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब बताता हूं आखिरी टिप, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको सब्जेक्ट डिसाइड करना है और आपको एक अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस डिसाइड करनी है। अब ये जो टिप है उनसे रिलेटेड है, आप अपनी जो ऑडियंस डिसाइड करेंगे कोशिश कीजिएगा कि उस ऑडियंस की संख्या बहुत ज्यादा हो। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, सपोज कीजिए कि आप गेट के लिए कंटेंट बना रहे हैं, IIT GE की तैयारी कराने के लिए आप कंटेंट बना रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, या हो सकता है CBSE के लिए आप कंटेंट बना रहे हैं, सपोज CBSE की मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए आप कंटेंट बना रहे हैं। कंटेंट बनाने के लिए आपके पास मल्टीपल लैंग्वेज के ऑप्शन हैं, आप हिंदी में बना सकते हैं, इंग्लिश में बना सकते हैं, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, बहुत सारी भाषाएं हैं, पंजाबी, किसी भी भाषा में आप कंटेंट बना सकते हैं। मगर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला जो काम है वो ये कि आप सफल होने चाहिए, क्योंकि अगर आप सफल हो गए तो आप बाकियों की मदद कर पाएंगे अलग अलग तरीके से। अगर आप सफल ही नहीं हो पाए, निराश हो गए, तो आप कंटेंट बनाना बंद कर देंगे, तो आपका जो उद्देश्य था वो अधूरा रह जाएगा। पहला चीज, आप सफल होइए। सफल होने के लिए क्या जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाएं। अगर आप CBSE की मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए हिंदी में कंटेंट बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके कंटेंट को यूपी, MP, कहीं छोटा कुछ शहर पंजाब के बस यही देखेंगे, बिहार, दैट्स ऑल, इसके अलावा तो कोई देखेगा नहीं। लेकिन अगर आप कंटेंट इंग्लिश में बनाते हैं तो आप पूरे इंडिया के CBSE स्कूल्स को कवर कर लेंगे, और हो सकता है कि फॉरेन के भी
स्कूल्स को आप कवर कर लेंगे, उनके टॉपिक्स तो वही हैं, हो सकता है वो लोग भी आपके कंटेंट को देखें क्योंकि लैंग्वेज उनकी है। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप एक बड़ी ऑडियंस को सेलेक्ट करें। देखिए ऑडियंस स्पेसिफिक ही है, अभी भी जो ऑडियंस है वो मैथमेटिक्स ही सीखना चाहती है सीबीएसई बोर्ड की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बड़ी ऑडियंस के चक्कर में आप अलग अलग सब्जेक्ट से कंटेंट बनाने लगे, नहीं, सब्जेक्ट आपका वही है, आपकी ऑडियंस भी बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन अब नंबर ऑफ ऑडियंस आपकी बढ़ गई। अगर आप हिंदी में बनाते हैं तो बहुत कम लोग देखेंगे, और अगर आप इंग्लिश में बनाते हैं तो बहुत ज्यादा लोग देखने की संभावना है, ज्यादा लोगों के देखने की संभावना है तो आपके सक्सेसफुल होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये मेरे टिप्स थे जो 2020 में आप एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने के लिए और ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं हूं, याद रखिए ईटी मंत्रा है और डॉक्टर योगेंद्र पाल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा जिसके जरिए आपका एजुकेशनल चैनल सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अब मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।